आज हम मेंडलवाद की पुनर्खोज किसने की उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मेंडल द्वारा प्रस्तुत किए गए वंशानुगति के नियम लगभग 35 वर्ष तक उपेक्षित रहे। हॉलैंड के ह्यूगो डीब्रिज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरी वॉन शेरमैक ने पृथक पृथक रूप से कार्य करते हुए 1900 में मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि मेंडलवाद की पुनर्खोज किसने की। तो मेंडलवाद की पुनर्खोज किसने की, ह्यूगो डीब्रिज, कार्ल कोरेंस और एरिवन शेरमैक ने 1900 में मेंडलवाद की पुनर्खोज की थी। अब हम यहाँ पे अनुवांशिक की शब्दावली के बारे में अध्ययन करते हैं। मेंडल द्वारा प्रस्तुत किए गए वंशानुगति के नियमों को समझाने के लिए निम्न तकनीक की शब्दों का समझाना अत्यंत आवश्यक है। जीन, जीन क्या होते हैं, जीन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो जीन कहाँ पे पाए जाते हैं, गुणसूत्र पे पाए जाते हैं। वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, तो जो जीन है वो गुणसूत्र पे पाए जाते हैं और उनका कार्य क्या करता है, लक्षणों को नियंत्रित करने का कार्य होता है, उसे जीन कहते हैं। मेंडल द्वारा प्रयोग में लिए गए कारक शब्द को जॉनसन, तो जीन शब्द नाम किसने दिया, जॉनसन ने दिया। उसके बाद में हम पढ़ते हैं युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी होते हैं। युग्म का मतलब ही होता है जोड़े में रहना। किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन, जीन के दो विप्रयासी स्वरूप हैं। यहाँ पे जीन के कितने स्वरूप हैं, दो विप्रयासी स्वरूप हैं, तो युग्म में ही पाए जा रहे हैं। जैसे पौधे की लंबाई ऊँचाई को नियंत्रित करने वाले जीन के दो युग्म विकल्पी, कैपिटल टी लंबापन व स्मॉल टी बुनापन है। उसके बाद में समयुग्मजी, समयुग्मजी क्या होते हैं, समयुग्मजी क्या होते हैं, सम मतलब ही हो गया समान, जहाँ पर दोनों युग्मक कैसे होंगे, समान होते हैं। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी कैसे होंगे, समान। समान कैसे होगा, वे समान हो सकता है, जैसे कि कैपिटल टी, कैपिटल टी ये किसके लिए हो गया, लंबे के लिए, और ऐसे जो स्मॉल टी होगा, स्मॉल टी किसके लिए होगा, बोने के लिए। तो यहाँ तो दोनों युग्मक कैसे होंगे, समान है, तो यहाँ पे कैसे इनको क्या बोल सकते हैं, हम समयुग्मजी बोलेंगे। विषम युग्मजी, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी कैसे हों, असमान हो। असमान मतलब एक कैपिटल टी और एक कैसे हो गया, स्मॉल टी, तो यहाँ पर क्या है, दोनों समान न होकर कैसे हैं, विषम युग्मजी है। लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप किसे कहेंगे, लक्षण का मतलब है, लक्षण हम कैसे देख सकते हैं, बाहर से ही देख सकते हैं, जो हमें बाहर से दिखाई देता है। किसी सजीव की बाह्य प्रतीति, बाह्य प्रतीति मतलब जो बाहर से हमें दिखाई दे रहा है, को लक्षण प्रारूप कहते हैं। जैसे कि समयुग्मजी, लंबे के लिए इसने क्या लिया, कैपिटल टी, कैपिटल टी, जबकि विषम युग्मजी के लिए कैसे हो गया, बाहर से दिखा दिया कि विषम युग्मज है, तो एक तो क्या है, कैपिटल टी और एक क्या है, स्मॉल टी हो सकते हैं। जीन प्रारूप, जीन प्रारूप क्या होंगे, जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देता है। जीन से अर्थ हो गया कि यहाँ पे किसकी बारे में बात कर रहे हैं, अनुवांशिकी, गुणसूत्र के बारे में बात कर रहे हैं। किसी सजीव की अनुवांशिकीय रचना को जीन प्रारूप कहते हैं, जैसे कि समयुग्मजी, लंबे के लिए कैपिटल टी, कैपिटल टी, और ये क्या है, पूर्ण रूप से कैसा है, शुद्ध है, जबकि अशुद्ध हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। विषम युग्मजी क्या है, लंबे हैं, है तो दोनों ही लंबे हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों कैपिटल टी कैपिटल आए, शुद्ध हो गए, अशुद्ध में कैसे होंगे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रभावी लक्षण के, प्रभावी लक्षण, प्रभावी जो कि हमें दिखाई देता है, दिखाई देता है, अर्थात वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में पूर्ण रूप से प्रकट हो गए उन्हें कहते हैं प्रभावी कहेंगे, और जो प्रकट नहीं हो पाते हैं F1 पीढ़ी में, अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। उसके बाद में हम आते हैं एक संकर संकरण, एक संकर संकरण वह संकरण जिसमें सिर्फ एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जा रहा है। कितने लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जा रहा है, सिर्फ एक लक्षण की, और जब दो लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जा रहा है तो उसके अंदर क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे द्विसंकरण, और जब तीन लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जा रहा है तो उनसे त्रिसंकर संकरण कहते हैं, और जब कई लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जा रहा है उसे बहुसंकर संकरण। परिष्करण संकरण किसे कहेंगे, वह संकरण जो F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण प्रारूप, अप्रभावी जो कि अपने प्रभाव को प्रकट नहीं कर पाता F1 पीढ़ी के अंदर, उस जनक के साथ में कराया जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, परिष्करण संकरण। और जबकि जो पश्च संकरण किसे बोलेंगे, पश्च संकरण
वह संकरण जिसमें F1PD का जो संकरण है दो जनकों में से किसी एक के साथ कराया जाए, जनक यहाँ पे दो हैं, उनमें से किसी एक के साथ कराया जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, पश्चे संकरण कहते हैं। व्युत्कर्म, व्युत्कर्म का अर्थ है वह संकरण जिसमें ए पादप को कैपिटल टी का और वो कौन सी है को नर बोला, ठीक है, बी पादप उसको स्मॉल टी को क्या बोल दिया यहाँ पे, मादा जनक। तो ए जो पादप था उसको कैपिटल टी उसको नर बोला, जबकि बी पादप है स्मॉल टी उसको मादा जनक बोला। और दूसरे संकरण में जो ए अपने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, दूसरे संकरण में क्या चेंज कर दिया कि पहले वाले में तो ए वाले पादप को तो क्या बोल रहे थे, नर, लेकिन यहाँ पर सेकेंड वाले में क्या बोलेंगे, ए पादप को यहाँ पे क्या बोल दिया, मादा बोल दिया। और जो वहाँ पर जिसको अपन मादा बोल रहे थे यहाँ पर किसको बोल दिया, उसको क्या बोल दिया, नरजनक बोल दिया। तो उसे क्या बोल दिया, विकर्म संकरण बोल दिया। जनक पीढ़ी वे होते हैं, जनक मतलब पिता माता, इनको क्या बोल दिया जनक, वो हमारे पेरेंट्स। संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण कराया जाता है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं जब उनका संकरण होता है तभी क्या प्राप्त होते हैं, संतति प्राप्त होती है। तो संतति प्राप्त करने के लिए जिन पादपों का संकरण कराया जाता है उन्हें क्या बोल दिया, जनक पीढ़ी कहा जाता है। F1PD क्या होंगे, जनकों के मध्य से प्राप्त जो प्रथम पीढ़ी होती है उसको F1PD बोलते हैं, और F1PD से जो प्राप्त संतति होती है उसे क्या बोलते हैं, F2PD। एक संकर